हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी जून 2019 CSIR का क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2019 का। इस क्वेश्चन में बोला गया था ये आपके पास मॉलिक्यूल है, पहले Br2 ऐड कर दिया, ब्रोमिनेशन कर दिया, उसके बाद बेस ऐड कर दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस, और पूछ रहा है कि बताओ कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, एल्कीन की यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगी, ठीक है। ब्रोमिनेशन किस तरह से होती है एल्केन की, देखो ये Br है, ब्रोमीन के लोन पेयर ये जो हैं यहाँ पे इस तरह से अटैक करते हैं इस डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू ब्रेक होके ब्रोमीन पे दोबारा अटैक करता है और ये यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है। तो देखो क्या बनता है, इस तरह से यहाँ पे Br ऐड हो जाता है और ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। क्या निकल के चल गया हमारे पास से, Br नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो Br नेगेटिव है ये अटैक करता है फिर से यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस ब्रोमीन के पास। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। अच्छा ऑब्वियसली एक और चीज़ देखो, अगर ये जो ब्रोमीन है सपोज करो ये अबो द प्लेन ऐड हुआ है, तो ये जो ब्रोमीन ने अटैक किया ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब बिलो द प्लेन करेगा अटैक तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये ब्रोमीन आ गया अबो दी प्लेन, ये वाला ब्रोमीन कहाँ जाएगा, बिलो दी प्लेन। ये अबो दी प्लेन है इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन है इट मीन्स यहाँ पे अबो दी प्लेन क्या है, एक हाइड्रोजन है अबो दी प्लेन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे बेस ऐड किया हमने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बेस हमने ऐड किया है। तो बेस क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। तो देखो सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डाइन बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, इस तरह से नहीं करना। आप मुझे बताओ, एक तो ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर सिर्फ दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हेलोजन लगा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, किस कार्बन का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक मिलेगा, इस कार्बन का या इस कार्बन का, ऑब्वियसली इस कार्बन का मिलेगा। इसी तरह से इस कार्बन का हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड का पहला मॉलिक्यूल है वो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ब्रोमीन निकाल देगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गया एक, यहाँ पे सपोज ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन निकल गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे ब्रोमीन निकल गया। अब आगे वाला मॉलिक्यूल भी टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का क्या करेगा, देखो एक और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन निकाल देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये तो 12th के जो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसमें भी दी हुई है रिएक्शन कि अगर आपके पास इस तरह से विसिनल डाईहैलाइड है, इस तरह से विसिनल डाईहैलाइड है अगर आपके पास, इस तरह से मान सकते हो आप, तो उसके अंदर जब बेस ऐड करते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। 12th की रिएक्शन, 12th की भी नहीं, 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन है। तो उसी तरह से ये था, ये पहले विसिनल डाईहैलाइड हमारे पास बने, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बेस ऐड कर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, जो एलिमिनेट करके क्या बना देगा, एल्काइन बना देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आपको डाइन के रिलेटेड कि डाइन क्यों नहीं बना ये सब, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट में पूछ लेना अगर डाउट है। अगर डाउट नहीं है, समझ आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।